हे हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप 2023 में अपना डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक किसी ब्रांच से कंप्लीट करने वाले हो, अब आके आपको बीटेक परस्यू करनी चाहिए या नहीं। देखो, डिप्लोमा जब बंदा कर रहा होता है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, अब आपका एक डिसीजन तो बन गया होगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में मत जाओ, पहले 3 साल की बीटेक कर लो, क्योंकि डिप्लोमा के बाद 3 साल में बीटेक हो जाती है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बाद में कर लूंगा, पहले बीटेक कर लो, क्योंकि बीटेक के बाद और भी अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी गवर्नमेंट सेक्टर में। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, डिप्लोमा के बाद प्राइवेट जॉब करने जाना चाहिए, डिप्लोमा के बाद अगर आप गवर्नमेंट की सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, या डिप्लोमा के बाद बीटेक करनी चाहिए? और मतलब ये समझ लो कि डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो कितने काम आएगी डिप्लोमा के बाद बीटेक, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी क्या स्कोप है बीटेक का, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपका एक डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि डिप्लोमा के बाद अब आपको बीटेक परस्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। हम इस वीडियो में जैसे कि बात कर रहे हैं कि आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहिए या नहीं, तो देखो इसका आंसर मैं शुरुआत में दे देता हूं, तो उसका आंसर है 100% यस। अब इसके मैं अलग अलग रीजंस बताऊंगा कि क्यों मैं ये यस बोला है, तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी अंदर से। अभी मैं आपको एस्पिरेंट ले लेता हूं कि आप वो बंदे हो जो डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उनको समझा देता हूं। देखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि अपने शहर को छोड़ के कहीं और जाना पड़े, किसी मेट्रो सिटी में जाना पड़े। जैसे कि अगर आप कहीं किसी गाँव में रहते हैं, किसी एक छोटे शहर में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज आपको दिल्ली जाके तैयारी करनी है। आप वो तैयारी अपने घर पर रह के कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको 3,000-4,000 रुपए में एक अफोर्डेबल प्राइस, जो आज अगर दिल्ली जाके पढ़ोगे तो 40 से लेकर 45 हज़ार फीस चाहिए और एक साल का रहने का 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, वही कोर्स आप ऑनलाइन बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म का ऐड तो कर रहा नहीं हूँ, अनअकैडमी है, पीडब्ल्यू भी अब जेई की तैयारी कराने लगे, या और भी प्लेटफॉर्म है जो कि जेई की तैयारी कराते हैं, ग्रेड अप है, ठीक है, निम्बस लर्निंग है, यहाँ से आप किसी की भी आप देख के कि कौन सा बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, वहां से उनके ऑनलाइन बैचेस ले सकते हैं। और साथ ही में ऑनलाइन तैयारी के साथ ही में बीटेक में एडमिशन ले लीजिए। बीटेक में एडमिशन लेने से मेरा मतलब क्या है, आप बीटेक भी करते रहिए। देखो, आपने डिप्लोमा कर लिया, आप उसी ब्रांच से आप बीटेक करोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आधे से ज्यादा सब्जेक्ट तो पढ़ चुके हो, आधे से ज्यादा चीजें तो पढ़ चुके हैं, थोड़ी डेप्थ में जाती है बीटेक में बातें, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या अपना टारगेट रखना है, आपको ये टारगेट रखना है कि आने वाले 3 साल में मैं अपनी बीटेक कंप्लीट कर रहा हूँ, और सिर्फ बीटेक कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गवर्नमेंट जॉब भी फोड़ रहा हूँ, कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब में बीटेक कंप्लीट होने तक 3 साल के अंदर मुझे एक जॉब निकालनी है। अब इससे क्या फायदा होगा, वो फायदा बताता हूँ। देखो, सबसे पहली फायदा तो ये होगा कि देखो, जरूरी नहीं है कि अगर आप 1 साल का टारगेट बनाओ। देखो, जब हम डिप्लोमा करते हैं हमारे अंदर बहुत जोश होता है कि मैं पहली बार SSC JEE एग्जाम दूंगा और पहली बार फोड़ दूंगा, बट ऐसा नहीं होता यार। बहुत सारे बच्चे, देखो रियलिटी भी है, नसीब भी बहुत बड़ी चीज होती है, आप चाहे कितने भी होशियार हैं, एक एक दो दो नंबर से बच्चे रह जाते हैं, दो दो तीन तीन साल से तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका एक साल में पेपर नहीं निकलता तो आपके पास उतना मेंटल प्रेशर नहीं होगा कि यार अब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरा पेपर भी नहीं निकला है, साथ में क्योंकि आपकी बीटेक चल रही है। और देखो, बीटेक में आपको रेगुलर क्लासेस करने जाना हो, जाओ नहीं जाना तो सप्ते में 3 दिन चले गए, 3 दिन छुट्टी कर ली, और बाद बाकी का जो टाइम है वो अपना जेई की तैयारी को दिया, और जब एग्जाम आए तो उसे 5 दिन पहले बीटेक का थोड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप आराम से क्रैक कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको टारगेट ये बनाना है कि आपको बीटेक में एडमिशन ले लेना है, जिससे देखो क्या होगा, बीटेक में एडमिशन ले लोगे तो आपके 2-3 फायदे और हो जाएंगे कि आपको एक तो स्कोप बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप किसी RRB एग्जाम निकाल देते हो डिप्लोमा के बाद, बीटेक करते वक्त आप RRB एग्जाम निकाल देते हो, RRB JEE का, तो वहां पर आपके जो प्रमोशन होंगे वो ज्यादा होंगे, ज्यादा चांसेस होंगे प्रमोशन होने के, और आपको एक अच्छी पोस्ट पर असिस्टेंट इंजीनियर बहुत जल्दी बन जाएंगे। एक वो बंदा जैसे सिर्फ डिप्लोमा किया है, आपने बीटेक भी कर ली, आप अंदर कोई भी टेस्ट होगा, डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करके आप एक अच्छी पोजीशन में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो बीटेक का ये फायदा होगा गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो बंदा प्राइवेट सेक्टर की सोच रहा है, अब उसको बीटेक करनी चाहिए या नहीं, तो मेरे भाई डेफिनेटली करनी चाहिए। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अगर आप प्राइवेट की सोच रहे हैं कि भैया यार हमारे पास
चलो मैं उन लोगों के लिए बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले ये बता देता हूँ कि प्राइवेट से पहले आपको बीटेक क्यों करनी चाहिए। देखो डिप्लोमा होल्डर्स का उतना स्कोप नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में। कहते हैं कि एक्सपीरियंस काम आता है, कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है, लेकिन इन इंडिया आपको कितनी भी एक्सपीरियंस है, कितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर आपके पास एक डिग्री नहीं है तो आपको उतनी अच्छा आप नहीं कर पाओगे। देखो एक डिप्लोमा वाला बंदा ऐसा नहीं है कि अगर वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसके अंदर नॉलेज नहीं है, उसको उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें उसे नहीं पता, उसे पता होती हैं। वहीं पर जो बंदा बीटेक करके आया होता है, बीटेक करने वाले को देखो शुरुआत में भी सैलरी अच्छी मिलती है, और उसके बाद क्योंकि वो जीईटी की पोस्ट पर जाता है, डिप्लोमा वाला डीईटी की पोस्ट पर जाता है, दोनों की सैलरी में मिनिमम 10,000 रुपये का गैप रहता है। और एक टाइम के बाद जो प्रमोशन होता है वो बीटेक वाले का अच्छा होता है, अच्छी पोस्ट पर जल्दी ग्रोथ देखने को मिलती है बीटेक वालों को। बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स मैंने देखे हैं कि डिप्लोमा के बाद जॉब करने चले जाते हैं, 1-2 साल बाद उन्हें पता चलती है कि यार सिर्फ डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, फिर वो बीटेक करने आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फैमिली फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम बीटेक की 1 साल की फीस एक बेकार सी कॉलेज से भी करोगे तो 50,000 तो मान लो, 3 साल की 1.5 लाख और 50,000 पैसा खर्चा, आप 2 लाख रुपए आपका मान लो मिनिमम 2 लाख रुपए आपके चले जाएंगे, और बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। तो एक तो ये है कि आप 1-2 साल जॉब कर लो, आपको अगर वहां सही लगे तो परस्यू करते रहना अपनी जॉब, वरना फिर वापस से बीटेक करने आ जाना। या फिर आपके पास दूसरा चांस, दूसरा ऑप्शन ये भी है, बहुत सारी नॉर्मल कॉलेजेस, मैं अच्छी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी एवरेज कॉलेजेस क्या करती हैं, अपने यहाँ एडमिशन दे देती है डिप्लोमा होल्डर्स को, और आप सिर्फ एग्जाम देने जाओ और उनके प्रैक्टिकल्स देने जाओ, उसके अलावा आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा के बाद जॉब भी कर रहे होते हैं और बीटेक भी परस्यू कर रहे होते हैं। तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जॉब के साथ जो आपकी सैलरी आएगी वहां से आप अपनी फीस भी दे सकते हैं, तो आप खुद अपनी फीस पे कर सकते हैं, आपको अपनी फैमिली पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बीटेक क्यों करनी चाहिए उसके मैंने आपको यहाँ पर रीजंस दे दिए हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।